Hi, this is Falaknaz and you guys are watching me on FIFA Foos. Look, firstly, welcome on our channel FIFA Foos. क्या कहना है, न्यू लुक्स आप ट्राई कर रहे हो आज, व्हाट्स गोइंग ऑन? मैं हर बार कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करती हूँ अपने लुक्स के साथ और मैं माहौल देख के एक्सपेरिमेंट करती हूँ. तो अभी जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हमारे इंडिया के अंदर मेजरली हम लोगों के बहुत सारी शादियाँ होती हैं, साया बोला जाता है जिसको, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने, मेरे कई सारे ऐसे फॉलोअर्स हैं जो मुझे स्टाइलिंग के लिए फॉलो करते हैं, फैशन के लिए फॉलो करते हैं, एंड ये मेरी ड्यूटी बनती है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उनको ये चीज़ सर्व करूँ ताकि उनको हेल्प हो. तो ये आज का जो फोटोशूट है ये कंडक्ट किया है वेडिंग सीजन को ध्यान में रखते हुए. इससे पहले मैंने एक आउटफिट पहना था विच वॉज ऑरेंज कलर का लहंगा जो हमारी मेहंदी थीम पे जाता है. मोस्टली लड़कियां मेहंदी थीम पे ऑरेंज कलर पहनती है या रिसेप्शन पे भी पहना जा सकता है, पर मोस्टली मेहंदी. एंड ये वाला पर्टिकुलर मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्दी पे एक बहुत एप्ट आउटफिट है. एंड देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट दिस आउटफिट इज कि यू फील गुड आफ्टर वेयरिंग इट. मतलब मुझे अच्छा लग रहा है ये पहनने के बाद, मैं ऐसे ऐसे झूम रही हूँ तो इसका मतलब आउटफिट बहुत कंफर्टेबल है और एक बहुत वाव लुक दे रहा है, वाव फील दे रहा है ये मुझे. बहुत प्यारा एलिगेंट वर्क हुआ है इस पर ना, ये मुझे पहनने के बाद बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है इट्स टू हैवी, मैं कैसे पहनूँ इसको या क्या. बहुत प्यारा हल्का है लेकिन फिर भी हैवी दिख रहा है आउटफिट. तो यस, दिस इज अ स्पेशलिटी. ओके, फलक बिग बॉस कितना फॉलो कर रही है एंड किसका गेम पसंद आ रहा है? मैं ऑनेस्टली बहुत बिट्स एंड पीसेस में बिग बॉस फॉलो कर रही हूँ. अभी तक मुझे जेन्युइनली कोई जेन्युइन लगा है तो वो आई थिंक मुनव्वर हैं, क्योंकि मैंने उनको कुछ प्ले करते हुए नहीं देखा है. वो जैसे हैं आई थिंक अपनी रियल लाइफ में, आई डोंट नो हिम पर्सनली, बट मुझे एक पता चल जाता है. मैं रह के आई हूँ उस घर में तो मुझे पता चल रहा है कि कौन प्ले कर रहा है और किसका रिएक्शन नेचुरल आ रहा है. तो उनका मुझे ऐसा लग रहा है रिएक्शन जितने आ रहे हैं अभी तक वो सब नेचुरल आ रहे हैं. बाकी वो घर ऐसा है कि 5-6 हफ्ते बाद लोगों की रियल पर्सनैलिटीज ना निखर के आती हैं, निकल के आती हैं. तब तक प्रिटेंडिंग हो सकता है उस घर के अंदर, तो वो 5-6 हफ्ते निकलने का मैं भी वेट कर रही हूँ कि कौन कैसे प्ले करता है आफ्टर 5-6 वीक्स. तो यस, वैसा है अभी, लोग आई थिंक प्रिटेंड ही कर रहे हैं. तो लाइक जानना चाहूंगी क्या लगता है कौन प्रिटेंड कर रहा है, इफ यू कैन से. ऑलमोस्ट एवरीवन. ओके, मुनव्वर मुझे बिल्कुल लग रहे हैं कि उनके जो रिएक्शन है वो नेचुरल हैं. एक रिंकू जी हैं, रिंकू जी का भी मुझे नहीं लगता कि शी इज प्रिटेंडिंग और समथिंग. इट्स जस्ट कि वो आई थिंक वो इतनी एक्सपीरियंस्ड हैं, मिच्योर हैं कि फालतू की बकवास में, इमेच्योरिटी में वो घुस नहीं रही हैं, इसलिए वो शांत रहती हैं, वो अपने काम से काम रहती हैं. वो भले 3 लोग बैठे हों, वो 3 लोगों के बीच में बैठ के बात करती हैं, भले वो 10 लोगों में ना बोलें, बट उनको मैंने 3 लोगों में बैठ के बात करते हुए देखा है एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड ऑन दैट, क्योंकि मैंने भी वो चीज़ की है अंदर. 10 लोगों के बीच में जब इमेच्योर बातें होती हैं तो लोग होते हैं, जैसे मेरी पर्सनैलिटी, रिंकू जी की पर्सनैलिटी, कि आप उन यू नो नॉनसेंस में नहीं इन्वॉल्व हो सकते हो. तो आई थिंक रिंकू जी इज लाइक दैट. बाकी मुनव्वर का गेम बहुत अच्छा है. अभिषेक का गेम अब काफी अच्छा हो चुका है, उनका हार्ट ब्रेक जोन खत्म हो चुका है, बट स्टिल व्हाट यू वांट टू से अभिषेक, ईशा एंड समर? भाई निकल आगे ईशा से, बस हो गया. क्योंकि अभी ठीक है, अभिषेक आई थिंक निकला भी आगे ईशा से, और मैंने कुछ अभी कल परसों में देखा था, फिर से कुछ उसकी आर्ग्यूमेंट हुई थी. तो मैं ईशा को इमेच्योर ही बोलूंगी बहुत ज्यादा, क्योंकि बच्ची तो नहीं है, 19 ईयर्स की है, और आजकल 19, 16, 17 की एज वाले लोग ही बोलते हैं हम बच्चे नहीं है, तो आई वोंट कंसिडर हर एज अ बच्चा. बहुत सोचे समझे अच्छे लोग हैं, काम किया है इंडस्ट्री में, इतना काम किया है उन्होंने, लीड किया है माशाल्लाह. तो इमेच्योरिटी है, बचपना नहीं है, तो बचपना इन द सेंस बच्चा नहीं है वो. तो मैं उसको यही बोलूंगी अभिषेक को कि भाई तुम आगे बढ़ो, तुम और लोगों पे ध्यान दो, अपने गेम पे ध्यान दो, बहुत कुछ करने के लिए है आगे. और आई विश मैं उसको अंदर बोल पाऊँ जैसा है वैसा रहे, अच्छे से रहे, मैं जानती हूँ उसको, तो वो अच्छे से रह सकता है, कर सकता है. एंड व्हाट टू से जो हमारे पॉपुलर कपल्स गए बिग बॉस के घर में, नील ऐश्वर्या, अंकिता विक्की, इनके गेम पे क्या टेक है? देखिए मुझे ऐसा लग रहा है नील ऐश्वर्या तो लॉस्ट हुए हैं जाके उस घर के अंदर, जो नेचुरल चीज है, बहुत लोग जाके उस घर में लॉस्ट होते हैं. उसी अपोजिट अगर देखें अंकिता और विक्की बहुत प्रिपेयर होके गए हैं, लेकिन
क्या होता है ना कि उस घर के अंदर जाके गेम पलट जाता है. आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लें, आप कितना भी सोच लें कि ये कंटेंट हम देंगे या ये कंटेंट हम देंगे, वो सब ना एक पॉइंट के बाद उस घर में काम नहीं आता है. तो यही मैं आपको बोल रही हूँ कि 5-6 हफ्ते बाद, क्योंकि तब तक आपका खत्म हो जाएगा जितना आप लेके गए हो ना माल सारा, वो खत्म हो जाएगा. उसके बाद फिर बिग बॉस आपको वो राशन भेजेंगे कि अब तुम ये करो. तो उस वक्त में वो रियल पर्सनैलिटीज निखर के आएंगी. मैं नील और ऐश्वर्या को भी ये नहीं बोलूंगी कि वो लोग लॉस्ट हैं तो वो वीक हैं, नहीं. उस घर के अंदर जो है ना वो इंसान बहुत स्ट्रांग है ऑलरेडी. अभी इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज 5-6 हफ्ते में ही आएंगी निकल के. ओके, एक प्यारा सा बॉन्ड हमने बिग बॉस के घर में देखा है, मुनारा. इस पे क्या कहना है आपको? हाँ, मैंने कहीं ना कहीं उन लोगों का वो देखा. मैं इनिशियली मुझे अच्छे भी लग रहे थे दोनों, तो ठीक है, देखते हैं. बॉन्ड है, रहे अच्छा. मैं यही दुआ करूंगी कि लास्ट तक रहे तो माना जाएगा, क्योंकि इनिशियली तो बहुत इनिशियली है कुछ कहने के लिए, तो देखते हैं. ओके, फलक, आप इस गेम में रह चुकी हो, यू नो द गेम वेरी वेल. क्या लगता है टॉप 3 में कौन बाजी मार सकता है? बहुत आगे की बात कर रहे हो, बट मुझे मुनव्वर लगते हैं कि वो डेफिनेटली टॉप 3 में जाएंगे. रेस्ट स्टिल आई विल टेक माय टाइम टू से एनीथिंग अबाउट टॉप 3. 5-6 हफ्ते बाद 7 हफ्ते बाद वो समझ में आएगा जब रियल पर्सनैलिटीज निकल के आएंगे. इसी मैं वही बोल रही हूँ, अल्टीमेटली वो गेम रियल पर्सनैलिटीज का ही है. बिग बॉस खुद ये चीज बोलते हैं कि आप रियल रहो, आप जैसे हो वो रखो. झलक इज ऑल्सो गोइंग ऑन. झलक पे कुछ कहना है? शिव इज देयर. आई एम नॉट देयर, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट झलक. लास्टली अ मैसेज टू योर फैंस. खुश रहिए, न्यू ईयर आने वाला है. दिवाली निकली है ऑलरेडी. आई होप सबकी दिवाली अच्छी रही हो, लेकिन न्यू ईयर आने वाला है तो जितना बुरा साल में हुआ है उसको कोई बात नहीं, शुक्र मना के भूल जाइए कि उससे ज़्यादा बुरा नहीं हुआ है. और अपना सबका ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और उदास मत होइए. लव यू. व्हाट्स मोर ऑफ फलकनाज? व्हाट मोर ऑफ फलकनाज? मोर ऑफ फलकनाज, यार अभी अगला साल लगने वाला है तो आई एम श्योर कि मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वेट कर रही हूँ मैं भी कि फरवरी तक आई थिंक आने चाहिए. एंड ये साल में मैं वो सब खत्म कर रही हूँ शूट्स. बाकी आई एम एंजॉइंग इट. थैंक यू.